खबरों में बात करेंगे पन्ना जिले की, जहां पर अजयगढ़ में केन नदी का सीना छलनी करके रेत माफिया अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग नाम मात्र की कार्रवाई करता है। लेकिन रेत माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन कर राजस्व को चूना लगा रहे हैं। शनिवार की तड़के सुबह खनिज विभाग ने नगर में रेत ले जा रहे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है, जिनके पास से कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। खनिज अधिकारी ने बताया है कि लगातार अवैध तरीके से रेत का परिवहन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रॉली परिवहन कर रहे हैं तो जिनको कल सूचना लगा करके आज रेकी करके उनको पकड़ा गया है, जिनमें से 7 ट्रॉली हैं जो बिना टीपी के अवैध रूप से परिवहन करते हुए। अवैध खदानों से अभी इनसे हमने पता किया है कि किसके किसके यहाँ से भर रहे हैं और इनके स्टेटमेंट लेकर के और कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे। वहाँ से कलेक्टर महोदय द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे तो उसके माध्यम उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनके अनुसार नियमानुसार अवैध उत्खनन की कार्रवाई।